फास्ट समाचार संवाददाता सचिन राज भट्ट ने पिछोर विधानसभा चुनाव को लेकर थाना प्रभारी शिव सिंह यादव से की चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट संवाददाता सचिन राज भट्ट के साथ। राज भट्ट, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पिछोर थाना प्रभारी शिव सिंह यादव जी। आइए जानते हैं उनसे विधानसभा चुनाव में किस तरह की पुलिस की तैयारी चल रही है और किस तरह से इस चुनाव पर जो आरोपी हैं, बदमाश हैं, उन पर किस तरह से कंजा पुलिस का कसा जाएगा। आइए बात करते हैं शिव सिंह यादव जी से। सर नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव 2023 किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको? ये चुनाव संवेदनशील है और हर चुनाव संवेदनशील होता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो बदमाश हैं जिनके खिलाफ़ अपराध पंजीबद्ध, जिनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की है। सर अभी ये सर ऐसे कितने पोलिंग बूथ हैं जो अति संवेदनशील होंगे? ये हमारे यहाँ जो है 53 पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील हैं, तथा उसमें से 26 पर हमने जो है पर्याप्त CAPF बल लगाया है, तथा आर्म्स वाले भी जवान हमारे लगे हुए हैं। सर अभी तक क्या कुछ कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा की गई हैं? हमने सबसे प्रभावी कार्रवाई जो है जिलाबदरी की है। जिन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध थे, जो आयतन अपराधी थे, 40 जिलाबदर हमने पेश किए थे, जिसमें से 36 के आदेश हो चुके हैं और 2 जिलाबदर बदर जेल में हैं, तथा 2 का जो है कार्रवाई आज शाम तक हो जाएगी। सर और जैसे कई अपराध हैं जैसे शराब को लेकर और हथियारों को लेकर, और भी मामले ऐसे दर्ज हुए हैं पिछोर थाने में? शराब के हम लोगों ने 146 केस कायम किए हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में तथा छोटी मात्रा में सब प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ की है। तो आर्म्स को लेकर सर, आर्म्स के 7 अवैध हथियार पकड़े हैं, जिसमें जो है रिवॉल्वर, कट्टा, पिस्टल है। तो लगातार यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब आगे किस तरह से पिछोर विधानसभा का चुनाव जो सही से संपन्न हो, इसमें थाना प्रभारी द्वारा क्या कुछ अपील की जा रही है। सर क्या कहेंगे आप? जो जिलावदर हैं वो किसी भी सूरत में यहाँ दिखने नहीं चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का जेल भेजा जाएगा। जो 110 के आयतन अपराधी हैं उनके खिलाफ़ 166 लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई है, उनको भारी केस से बाउंड ओवर कराया गया है। यदि वो लोग बदमाशी करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके अलावा निष्पक्ष रूप से जो चुनाव हो, इसके लिए श्रीमान SP साहब द्वारा यहाँ BSF का बल बहुत अधिक संख्या में दिया गया है, जिसके साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तथा जो पोलिंग बूथों पर भी तैनात रहेगा, तथा वीडियोग्राफी भी पोलिंग बूथों पर होगी। अतः जो भी गुंडे बदमाश हैं वो किसी प्रकार की बदमाशी करने की हिमाकत न करें। और इसके अलावा जो है जो मुख्य रूप से 15 तारीख शाम तक 5 बजे तक यहाँ यदि कोई भारी व्यक्ति है तो भारी व्यक्ति यहाँ से चुनाव प्रचार समाप्त होने तक यहाँ से चले जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये माना जाए कि सर यहाँ पिछोर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा? जी हाँ, SP साहब और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, SDOP साहब हैं, SDN साहब हैं, इनकी कुशल मार्गदर्शन में पूरी ताकत के साथ निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ थाना प्रभारी शिव सिंह यादव जी, जहाँ इन्होंने बताया कि निष्पक्ष तौर पर और शांतिपूर्ण तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव कराया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ सचिन राजभट्ट, फास्ट समाचार, पिछोर।